बस्तर में लगातार इन दिनों बात की जाए तो सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। इसका एक तस्वीर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से बात की जाए तो इस वक्त मैं बीजापुर में हूँ और बीजापुर में कल जो कि खबर निकल के आई थी कि पीड़िया के जंगल में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है। इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो एकाएक सुबह से ही जो कि माओवादियों की संख्या इस पर बात की जाए तो बढ़ते गई। सुबह ही दो नक्सली मारे जाने का जिस तरीके से जो खबर निकल के आया था उसके बाद एकाएक संख्या जो कि बढ़ते देर शाम तक के 12 हो गई। दो महिला माओवादी समेत 12 नक्सलियों को मार गिराने में यहाँ पर सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर ये बरमार बंदूक हैं जो कि हथियार हैं वहाँ पर मौके से जो बरामद हुए हैं घटना स्थल पर। वहीं साथ ही साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुए हैं। स्क्रीन पर आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए कि ये वायरलेस सेट है जो नक्सली हैं कम्युनिकेशन के लिए जो कि इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का यह वायरलेस सेट है। और ऐसे में जो नक्सली हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए बीजीएल सेल हैं यहाँ पर बरामद हुए हैं। और वहीं बात की जाए तो जेलिटिन है यहाँ पर विस्फोटक है। और ये देखिए टिफिन बम, जिस तरीके से अमूमन जो नक्सली हैं टिफिन बम बनाने के लिए जो उपयोग में लाते हैं। वहीं बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो पाउडर है आप देखते हैं बारूद है जो कि यहाँ पर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं देश के वायर है। ऐसे में बात की जाए एकाएक यहाँ पर नक्सली सामग्री जो कि दैनिक उपयोगी सामग्री भी है। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में जो वर्दी हैं, वर्दी में जो माओवादी जो यूज़ करते हैं उन वर्दी के अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो कि एक जो वर्दी है ये वर्दी सीआरपीएफ और कोबरा अमूमन जो जवान है उनके लिए यूज़ करते हैं। ऐसे में उनके पास से नक्सलियों के पास से इस तरीके के वर्दी का बरामद होना भी बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जिस तरीके से जो कि ऑपरेशन में या जो मुठभेड़ में कहीं ना कहीं जो इस प्लान के साथ ही इस तरीके के वर्दी का इस्तेमाल करके शायद कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देते रहे होंगे। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में लगातार या कल जो पीड़िया के जंगल में जो मुठभेड़ हुई थी उस जंगल में ये जो दैनिक सामग्री है साथ ही साथ विस्फोटक सामग्री है जो हथियार हैं, हथियारों में देखे जिस तरीके से जो बरमार हैं बरमार के साथ आप देखिए ये बरमार बंदूक है मौके से जो घटना स्थल से बरामद हुआ है। देखिए जो माओवादी हैं इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे। हालांकि एक लगातार अगर बात करें तो उस इलाके में बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं उनकी होने की सूचना मिली थी। करीब 150 के संख्या में माओवादी होने की सूचना मिली थी। उसमें बड़े कैडर भी उस इलाके में मौजूद है। ऐसे में हथियार हालांकि जो कि बरमार बंदूक बरामद हुए हैं और वहीं बात की जाए तो इसकी हालांकि शिनाख्त अभी तक के हो नहीं पाई है कि कौन से कैडर और किस इलाके से थे। ऐसे में बात की जाए तो ये गंगलूर थाना क्षेत्र इलाके में यहाँ मुठभेड़ हुआ था, पीड़िया के जंगल में मुठभेड़ हुआ था। उसके बाद इनके शव बरामद कर लिए हैं। हालांकि शिनाख्ती की जो अगर बात की जाए तो अब तक के जो कि इनकी शिनाख्ती हुई नहीं है। शिनाख्ती की कार्रवाई लगातार हालांकि जारी है। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगातार सफलता मिल रही है और सफलता के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही सरकार सत्ता परिवर्तन हुई है सत्ता के बाद लगातार सुरक्षा बल जो कि आक्रामक हुई है और आक्रामक के साथ ही साथ जिस तरीके से जो माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बल मौके से पहुँच रहे हैं और दबिश दे करके कहीं ना कहीं नक्सलियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, एसटीएफ भी शामिल हुई थी। और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्यूलर चीज़ जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफ़ी हुई हैं इस दौरान जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिक्र बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफ़ी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है जिसमें पीड़िया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन।